Hey guys, welcome to another mini vlog. So, आज मेरे साथ बहुत ही गलत चीज हो गई. So, I was working from home and मेरे पूरी सोसाइटी का वाईफाई बंद हो गया. तो अब मैं, क्योंकि उस वजह से आई कैन नॉट वर्क, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर डिनर पे विद माई मॉम एंड माई हस्बैंड. नाउ लेट्स क्विकली गेट रेडी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है. जतन से 5 मिनट में नीचे आने वाले हैं हमें पिक करने के लिए, तो हम फटाफट से रेडी होते हैं. सो मेरे पास आउटफिट डिसाइड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी मेरे वार्डरोब में सबसे ऊपर रखा था मैंने वही निकाल लिया है. नाउ लेट्स क्विकली गेट रेडी. सो आई हैव चेंज्ड एंड आई विल शो यू माई आउटफिट इन अ बिट. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी क्विकली टोन माई फेस विद दिस क्यूक्यूम्बर टोनर फ्रॉम TNW एंड आई विल वेट कि ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए. और फिर मैं मेकअप तो नहीं करने वाली हूँ फॉर श्योर, बट लेट्स सी थोड़ा सा मे बी टेंट, बिकॉज गर्मी में आई जस्ट कैन नॉट अप्लाई फाउंडेशन. मैं बहुत बचती हूँ इन चीज़ों से. नाउ लेट्स सी वेर इट गेट एब्जॉर्ब इन टू द स्किन. सो मैं बहुत ही जल्दी क्विक मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बट एक बाहर जाने लायक मेकअप करने वाली हूँ जस्ट इन 3 प्रोडक्ट्स से. सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का ग्रीन टी सनस्क्रीन. नाउ माय स्किन इज लुकिंग लिटिल हाइड्रेटेड, थोड़ा तो काम चल जाएगा. एक्चुअली मैं आज मेकअप भी क्यों नहीं अप्लाई कर रही, क्योंकि आज ही मैंने अपना थोड़ा हाइड्रा फेशियल एंड ये सब करवाया है, तो मैं आज बिल्कुल भी अपने इसके ऊपर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू डू द लीस्ट थिंग दैट आई कैन. तो ओके, सो आई गेस स्किन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना यूज इज दिस फेसेस कैनेडा की कम्फी लिप मैट लिपस्टिक. सो मैं जब भी ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ ना, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपिंग आउट शेड लगता है अकॉर्डिंग टू माय स्किन टोन. सो व्हाट आई यूजुअली डू इज मैं किसी भी एक न्यूड लिपस्टिक से इसको कवर कर लेती हूँ, और इससे ताकि ये थोड़ा सा सटल शेड लगे. दोबारा से ये वाला मेरा टोनर थोड़ा ऊपर से स्प्रे कर लूँगी, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आई कैन नॉट डू विदाउट इट. मे बी मैं इसको कैरी भी कर सकती हूँ अपने पर्स में अगर जगह हुई तो. लेट्स सी. Okay, so this is the final look. I am pairing it with the white heels. तो अब चलते हैं जल्दी से गाड़ी में, क्योंकि जतिन नीचे वेट कर रहे हैं, और अगर लेट हो गई तो फिर डांट पड़ेगी. तो माता कहाँ जा रहे हैं आज डेट पे? किसके साथ? बहु रानी के साथ. So she's my mother-in-law और हम दोनों जा रहे हैं डेट पे. ये अपने बेटे के साथ जा रही हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ. Okay, so हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर. वेटिंग फॉर मम्मा. मम्मा एक्चुअली मेरे साथ ही उतरे थे, बट कुछ सामान वो भूल गए थे तो वो वापस लेने गए हैं. तो जतन हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम चल रहे हैं गुरुद्वारे. गुरुद्वारे मम्मा ने मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे, तो चलो फिर हम चल रहे हैं डिनर पे. डिनर पे कहाँ पे? हम चलेंगे सैंडोज सीपी वाले. सो आज हम जाएंगे सीपी वाले सैंडोज, और वहाँ के एक दो चीजें जो की मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई होप वो आज मुझे मिल जाए. वैसे तो वीकडे है, सैंडोज पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि वीकेंड्स पे तो बहुत ज्यादा नंबर लेना पड़ता है सैंडोज में जाने के लिए. बट आई होप कि आज हमें सीट्स मिल जाए. जतन आपने बात की है वैसे किसी से सीट के लिए? नहीं. तो अगर नहीं मिली फिर व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? आज वैसे खाली रहता है, खाली नहीं रहता बट आज. और मैं सैंडोज में जाके वहाँ के मेरे दही दो के शोले खाने ली हूं. हाँ, दही के शोले. और बताओ दूसरी चीज? दाल मखनी. नहीं, वो तो चलो खाऊंगी, इसके अलावा मतलब सैंडोज से ही. हाँ, जो एक और चीज हमें बहुत पसंद है सैंडोज की, वाटरमेलन. वाटरमेलन कूलर भी, उसके अलावा पनीर पापड़. पनीर पापड़.
ये देखो गजनी, ये क्या लिखवाया है? From Sandoz, बहुत मजा आया. We had lovely dinner and now there is a sudden change of plan. हमारे like जतिन के जो मामा जी हैं, उनके एक बहुत क्यूट सी छोटी सी बेबी डॉल है. आज उसका बर्थडे है एंड हम उसको जा रहे हैं सरप्राइज करने एंड उसको नहीं पता, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट. So I am ending my vlog right now. I'll see you all in my next vlog.